करने जा रहे हैं आईएमसी के चेयरमैन डॉक्टर मेहरवाल साहब से। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन पंक्तियों से शुरुआत करूँगा कि जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, उसी चिराग का आपने ये जो चिराग जलाया है, शिक्षा का जो चिराग जलाया है, वो आज अपने आयामों को छू रहा है। इसकी शुरुआत तो डीएस मेहरवाल साहब ने की थी, लेकिन उस पूरी श्रृंखला को आपके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। 5 तारीख को बच्चों का आज आईएमटी का स्थापना दिवस मनाया गया था और आज छात्रवृत्ति का आयोजन रखा गया है। सर, ये सिलसिला आप कब से शुरू हुआ और अनवरत जारी है? सर, कुछ प्रकाश डालें। जो आईएमटी का सफ़र है वो तो विशाल जी आप जानते हैं। सन 2000 में हम लोगों ने आईएमटी की शुरुआत की और बड़ी छोटी सी शुरुआत थी, 2 कोर्स थे और करीब 36 बच्चे थे, जो आज करीब 22 कोर्स तो आईएमटी में ही हैं और उसके अलावा आईएमटी का परिवार पूरा करीब 7 इंस्टीट्यूशन का परिवार हो चुका है जी। और वो जो 36 बच्चे थे वो आज करीब 3600 से ज़्यादा। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अकेले ही चला था जान में मंजिल, लोग आते गए, कारवां बदला गया, तो ये कारवां किस तरीके से बना बताए? अब यहाँ थोड़ी सी पंक्ति बदल गई जी। एक तो अकेले नहीं चले थे जाने में मंजिल की तरफ उस वक्त भी हमारे साथ 4-5 लोग थे और ये बड़ी ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि उनमें से 2 लोग अभी भी, शंभू केन सिंह रावत और जितेंद्र मेलवार, वो दोनों आज भी साथ खड़े हैं और आईएमटी को बनाने में, जो हम आईएमटी का स्वरूप देखते हैं उसमें कारवां जो है उसका महत्व ज़्यादा है और अकेले का महत्व कम है। नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ कि डीएस मेहरवाल साहब ने इसकी शुरुआत की थी और आज इस श्रृंखला को आप आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप फिर भी ये मानते हैं कि मैं बना रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हर वो वक्त जो संभव है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आईएमटी को ईमानदारी से अपना समय दे सकूँ और न सिर्फ समय दे सकूँ बल्कि हर उस ईमानदार कोशिश को मैं अपने तरफ से प्रोत्साहित कर सकूँ जो कि इस आईएमटी को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए ज़िम्मेदार है। बहुत बड़ा एक स्वरूप है। कल हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे, मैं और शाली मैम। इस वक्त जो हमारे टोटल टीचिंग सिस्टम में लोग हैं वो करीब 250 से के आसपास पहुंच चुके हैं और इस संस्था को बनाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान अध्यापक का है उतना किसी और का है ही नहीं। आईएमटी टुडे इज आईएमटी और आईएमटी परिवार इज टुडे आईएमटी परिवार बिकॉज ऑफ द टीचर दैट दे हैव मेड। और मैं आपको पीछे के दौर में लेके जाऊंगा विशाल भाई, 2002-2003 का दौर था और ये स्वायत्त पोषित संस्थान जो थे तब आए थे। जो हम लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुआ करते थे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, फीस कम थी, बच्चे कम थे, संसाधन कम थे और टीचर्स को मेंटेन करना, टीचर्स को एक अच्छे सिस्टम को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था। तो बाऊजी का उस वक्त का मुझे याद है कि 2003 में उन्होंने ये तय किया, उस वक्त ये बड़ा कॉमन फैशन था कि आप टीचर को 9-10 महीने के लिए रखते थे जी। और 2-3 महीने के लिए उन्हें समर टाइम में, समर वेकेशन के टाइम में आप टीचर को रेस्ट करवाया करते थे, सैलरी नहीं मिलती थी। तो 2003 के दौर में उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो आपका टीचर है वो 12 महीने के लिए टीचर, इफ़ ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली फॉर 12 मंथ्स देन यू हैव टू पे हिम फॉर 12 मंथ्स। तो शायद वही भावना है जो आईएमटी को आज इस मुकाम पर ला पाई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज आज इस आयाम के लिए आप टीचर्स को क्रेडिट देना चाहेंगे? निश्चित रूप से, टीचर्स तो इसका एक प्राइमरी सोर्स है। जो मुख्य हमारा इस वक्त
याद है वो तो बाबूजी की, वो सारे जो उन्होंने डिसिप्लिन हमें दिया, जो उन्होंने हमें डेडिकेशन दिया, जो उन्होंने हमें इस शिक्षण संस्था को चलाने के लिए एक नियम दिए, तो मुख्य आधार तो वही है, लेकिन उसको आगे ले जाने का काम निश्चित रूप से टीचर का है। जो टीचर यहाँ, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है इस सिस्टम के लिए, वो भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। सर एक और एक और सबसे बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं विशाल भाई, कि ये एक लगातार चलता हुआ दौर है। हमने शुरू में आए हुए लोगों को देखा, शंभू केन सिंह रावत और जितेंद्र महलवार को हम सभी जानते हैं जी। लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए वो भी शायद उसी व्यवस्था में, और आज इवन जो नए बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, उन नए बच्चों का भी इतना कमिटमेंट रहता है सिस्टम के लिए। आज आप अगर ऊपर आते और देखा सकते हैं, गया ऊपर, मैंने कवरेज भी किया है, प्रोग्राम का कंडक्शन था, उस प्रोग्राम के कंडक्शन को देखते तो एक यंग टीचर जो लास्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया है, द वे शी वॉज कंडक्टिंग द शो, इट वॉज ओवरवेलमिंग। एब्सोल्यूटली आई मीन उस स्तर को आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते, जिस आवाज और जिस गंभीर शब्दों के साथ उसने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, वो आप पूरी स्प्रेड, पूरा कमिटमेंट था प्रोग्राम के लिए, तो सभी का बहुत बहुत ऋणी है हम लोग। मैं बच्चों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ा छोटा सा दौर होता है, आप स्कूल एजुकेशन तो कब निकल जाती है वो पता ही नहीं लगता। आप ट्वेल्थ करते हो, माँ बाप का आपके ऊपर साया होता है, हर चीज़ के लिए माँ बाप आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, चाहे आप बेसिक जो साइंस या आर्ट्स के कोर्सेज हैं उनमें जाओ, ये जो आप 5 साल आप यहाँ बिताते हो, 6-7 साल, ये आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं, कैरियर डिसाइड करते हैं, पूरा करियर आपका यहीं से डिसाइड होता है। तो बहुत सीरियसली आप इस समय को लीजिए, कॉलेज लाइफ का मज़ा भी लीजिए, लेकिन कॉलेज में जो आपके भविष्य के लिए एक आपको रास्ता निर्धारित करना है, उस रास्ते को चुनिए और उस रास्ते पर बहुत मेहनत से काम कीजिए। जो संस्थान के द्वारा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, उसको आप कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ाएंगे, देश के योगदान में आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से। तो कल आप अपने आप पर आपको गर्व होगा, और आज इनफैक्ट वी लुक बैक, आज कितने बच्चे हैं हमारे हुआ डूइंग सो वेल, टैलेंटेड, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड और इतना अच्छा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर और सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, कि बड़ा गर्व महसूस होता है इस चीज़ को लेके कि हम उनके उस सफ़र में कभी हम भी खड़े थे उनके साथ। बिल्कुल, वो दौर था, अब क्योंकि सर तकनीकी युग आ चुका है, हम तकनीक से जुड़ चुके हैं, पहले हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, सीमित संसाधनों से ही देश को चलाया जा रहा था। अगर मैं बात करूँ 71-72 में जो युद्ध हुआ था, हमारे पास 3-3 की गोली थी, और आज 1-47 लेजर चल रही है। दौर बदल रहा है, युग बदल रहा है, और लोगों की सोच बदल रही है। ऐसा नहीं है कि दौर ही बदला हो, ये युवाओं की सोच भी बदल रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की तरफ भी उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी जीवन के दो आयाम होते हैं। एक आयाम होता है कि जहाँ आप संसाधनों को इस्तेमाल करते हो, और दूसरा आयाम होता है कि जहाँ आप अपने जो आपकी जो संस्कृति है, आपका जो अपना सीखे हुए संस्कार हैं, उनको आप अपने जीवन में सम्मिलित करके और एक बेहतर इंसान बनते हो। तो इंसान तो वही है जो दूसरों के काम आए, तो दूसरों के अगर नर सेवा नारायण सेवा ये कहा जाता है, बिल्कुल, तो दूसरों जो भी टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ आप सीखते हो उसको पाकर आप दूसरों के लिए एक अच्छे इंसान बन सको, कल के लिए एक अच्छे नागरिक बन सको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आदमी की लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज HBL से आप जुड़े और आपने सार्थक अपना अनुभव साझा किया,
IMT के सफ़र को यहाँ तक आप जो लेके आए हैं, उस सफ़र के बारे में आपने हमसे चर्चा की, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड। जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ शालती वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर शाली मेहरवाल साहब हमारे बीच हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है HBN में। मैं आज जानना चाहूँगा कि आज जिन बच्चियों को छात्रवृत्ति आपने दी है तो ये कब से शुरू हुई थी, और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था, और ये आज और कब तक ये अनवरत जारी रहेगा, कुछ बताएं। ये सिलसिला जारी हुआ जब कोविड आया। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम पेरेंट्स में आई, तो वो ज़्यादातर अपने बेटों को पढ़ाने में इच्छुक रहते थे, बेटियों को नहीं पढ़ाने में इच्छुक रहते थे। तो वहाँ से हमने ये चीज़ देखी। फिर धीरे धीरे हमने कुछ चीज़ों को किया, और आज अपने जो मेरी मदर इन लॉ हैं शांति महलवार जी, उनके नाम से ये छात्रवृत्ति हमने शुरू की, और अब तक 21 से हमने ये सिलसिला शुरू किया। 2021 से अब 24 हो गया। करीब 4 करोड़ और 80 लाख के करीब हम लोगों ने बच्चियों को छात्रवृत्ति दी है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये चीज़ मम्मी ने कितने पहले सोची और हमारे घर में ये चीज़ कितने पहले आ गई, क्योंकि उनकी एक बेटी डॉक्टर है, उनकी एक पोती लॉयर है, तो बेटियों को उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं रखा कि बेटी ना पढ़े, नहीं करा, और हमेशा प्रमोट किया। जबकि बेटी लॉयर थी, और पापा जी तो बल्कि ये कहते थे जुडिशरी में जाओ जुडिशरी में जाओ मेरी बेटी को, बट वो बहुत ही बिल्कुल नेचर वाइज अपने दादाजी पे गई थी। तो मैं हमेशा पापा जी से यही कहती थी पापा जी जुडिशरी में मत भेजिए, क्योंकि ये इतना आपके जैसे नेचर की है रोज पेन डाउन हो जाएगा और कोई भी मतलब हैंग होते रहेंगे अगर ये जुडिशरी में चली गई। गलत ना सहने वाले गलत वो नहीं सह सकती। तो मैंने बोला हर रोज़ एक पेन डाउन होगा, तो फिर वो चीज़ छोड़ के अब वो कॉरपोरेट में कर रही है एंड अली दिल्ली में अपना अपने आप सब कुछ, हम लोग उसको पूरा कोई इस तरह का वो नहीं करते, अपने आप जाती हैं आती हैं अपना कर रही हैं काम। तो इस तरह स्कूलों की बच्चियाँ आई ये अलीगढ़ क्षेत्र के काफ़ी जनपद अलीगढ़ से करीब 76 बच्चियाँ आई थी, जिनमें से 25 को तो दोबारा स्कॉलरशिप मिली है और बाकियों को फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप मिली है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चियों को आगे भी स्कॉलरशिप मिले, प्लस आगे हम सोच रहे हैं ग्रेजुएशन में भी ये स्कॉलरशिप इन बच्चियों को जो डिग्रियों में भी दिया जाए जो गवर्नमेंट स्कूल से आती हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता जितना कि हम लोग जो स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स उनका होता है, और घर पे भी इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इनका एक्सपोजर एक बढ़े और इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमारा है, चाहे वो एक माता ही बने कुछ नहीं करे, अगर वो माँ भी बन जाती है एक अच्छी माँ भी बनती है तो वो अच्छे बच्चे बना के इस देश के भविष्य को रोशन कर सकती है। इसी से मैं अपनी बात को सर आज ये जो प्रोग्राम हुआ है सर छात्रवृत्ति को लेके, सर अक्सर देखा जाता है जो बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं फोकस करते हैं अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के या अपने प्रतिष्ठान के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए, लेकिन सर 4 करोड़ से ऊपर जो है छात्रवृत्ति इस प्रतिष्ठान में और इस कॉलेज में सर जो है वितरित कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर दूसरे कॉलेज की छात्रा को? प्रशांत जी मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई भी संस्थान जो है वो उसका अपना या बेगाना कोई नहीं होता, संस्थान समाज के लिए होता है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, और हमें मौका दिया ईश्वर ने समर्थ बनाया तो हम दूसरे जो संस्थान है उनके बच्चों के लिए भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने 39 स्कूलों की बच्चियों को इस बार चेक बांटा है। सर 13,000 छात्राओं में से 50 छात्राएं सेलेक्ट की गई, तो
तो कहीं ना कहीं सर उनका मोरल जो है वो अपलिफ्ट किया हुआ कि हम एक सिलेक्ट होके टेस्ट में आया, स्कॉलरशिप पास की है, तो वो खुशी उनके माँ बापों के चेहरे पे भी देखने को मिल रही थी। आसान नहीं होता, हर माँ बाप को फक्र होता है, एक स्कूल में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से हमने 10 बच्चे सेलेक्ट किए, उन 10 बच्चों को फिर हमने IMT में बुलाया, वहाँ टेस्ट किया और वहाँ पर जाके हम 10 में से टॉप 2 बच्चों को सेलेक्ट किया। इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोगों ने 39 कॉलेजेस में किया जाके, स्कूल्स में किया जाके, तो 39 स्कूल्स की हम लोगों ने इस टाइम जो है बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो निसंदेह उनके माँ बाप को अपने बच्चों पर फक्र होगा और हमने बेहतर से बेहतर बच्चों को चुनने की कोशिश करी है एक पारदर्शी व्यवस्था के जरिए। सर अभी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, चेयरमैन साहब से, मैं पंकज मेहरवाल जी से, तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने ये IMT कॉलेज का जो सफर शुरू किया तब सिर्फ 2 कमरे से ये सफर शुरू हुआ था, लेकिन मेरे 2 मजबूत पिलर थे, एक जितेंद्र मेहरवाल जी और एक शंभू केन सिंह रावत जी, इन दोनों के बगैर मैं बिल्कुल अधूरा था। हमारे एक पत्रकार साथी ने शेयर कहा था कि मैं अकेला ही चला था कारवा को लेकर, शेर है तो सर ने कहा मैं अकेला नहीं, मेरे 2 शेर साथ चले थे, जितेंद्र मेहरवाल जी और शंभू केन सिंह रावत जी, जिनके बगैर ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो सर आपको आज ये 6 कैंपस 7 कैंपस में हो गया है सफर, तो कैसा महसूस होता है? सफर आसान नहीं होता, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप मार्गदर्शक और सरपरस्ती आपके सर पर है, क्योंकि आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। मैं एक नई उम्र का बच्चा था जब ये सफर शुरू हुआ, 22 साल की मेरी उम्र थी, तो वहाँ अगर मैं सोचूं कि मैंने कुछ भी ऐसा कर दिखाया, मैंने कुछ चमत्कार किया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे, जिनकी सरपरस्ती में मैं काम कर रहा था, उनका अनुभव पूरी ज़िंदगी का जो था वो निचोड़ था। उन्होंने सिखाने की कोशिश की, बड़ी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करी, और जो उन्होंने सिखाने की कोशिश करी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी ज़मीन पे। तो सब कुछ जो सफल हो पाया, छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन मेरा इस संस्थान के लिए रहा है, ये उनके आशीर्वाद और उनका जो विजन था उसको सपोर्ट करने में मेरे को मैं मानता हूँ। सर आप छोटा मोटा कह रहे हैं, लेकिन सर डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि आपके बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, शंभू केन सिंह रावत के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था ये सफर। वो ये क्रेडिट आज आपको दिया गया है सर के द्वारा। दरअसल मैंने उनको उस नजर से नहीं देखा, मेरे हमारे संस्थान के चेयरमैन भी हैं, मेरे लिए तो एक उस्ताद के तौर पर रहे, जिनकी छोटी छोटी चीजें हैं मैंने उनसे सीखने की कोशिश करी और मैं आज भी सीखता हूँ। वो एक किताब है मेरे लिए और उस किताब से मैं आज भी हर पन्ने से पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पूरी तरह सीख नहीं पाया मैं आज भी उनके सामने जब बैठता हूँ तो शिष्य मानता हूँ। ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने इस तरीके से मेरे बारे में बोला। अभी तो बहुत कुछ तय करना है, बहुत कुछ बदलने की कोशिश करनी है अपने आप को। सर एक आखिरी सवाल, सर देखा गया कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तब तरक्की करती है जब उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं। सर मैंने देखा यहाँ पर आपके सरपरस्ती में सर जो एम्प्लॉयज हैं वो 18-18, 19-19 साल से हैं, तो सर ये जो बॉन्डिंग है ये कैसे सर आप निभा पाते हैं? सर ये आसान नहीं होता सर सबको सेटिस्फाई करना जी। इसमें एक मैनेजमेंट का एक मोटिवेशन का उसूल होता है, मैनेजमेंट कहता है, हम लोग MBA करने में सिखाया जाता है कि हर आदमी सिर्फ एक चीज के लिए काम नहीं करता, पैसे के लिए काम नहीं करता है। पैसा भी एक जरूरी चीज़ है लेकिन हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। हर आदमी को एक मान भी चाहिए होता है, सम्मान भी चाहिए होता है, उसे प्यार भी चाहिए होता है, उसे अधिकार भी चाहिए होता है। और जिस इंसान को जो चाहिए अगर आप उसे वो देने की कोशिश करते हैं तो आप उसे संतुष्ट कर पाते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे के लिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ, वो पैसा तो हर संस्थान दे सकता है लेकिन मान सम्मान कुछ उसके अधिकार उसको भी उसके साथ उसको अगर आप देते रहें तो लोग आपके साथ दिल से जुड़े रहेंगे। क्योंकि सिर्फ आपके साथ कोई आदमी दिमाग से जुड़ा रहे सिर्फ इस वजह से कि वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है इसलिए वो मजबूरी है, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो ये किसी भी संस्थान के लिए मैं ज़्यादा उचित नहीं मानता। सर ये देखा गया कि छात्र बिल्कुल एक अपनी कोई समस्या लेके आते हैं तो वो आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं मदद की और वो मदद उनको मिलती भी है यथासंभव, तो कैसा लगता है सर आपको? विशाल जी वजूद जो होता है ना हमारा, हम लोग गलतफहमी पालते हैं कि छात्रों का वजूद हमसे है, जबकि फैक्ट ये है कि छात्रों की वजह से हमारा वजूद है। छात्र ना होंगे तो शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा। तो ये जो चलता है ये बिल्कुल वही वाला हिसाब किताब है कि जैसे आपने बरसात बादलों में पानी नहीं होता, पानी समुद्र में होता है, समुद्र से बरसात जो होती है वो बादल खींचते हैं उस पानी को, उसके बाद बरसात करते हैं। सेम हाल किसी भी शिक्षण संस्थान का होता है। हम लोगों का वजूद जो है वो बच्चों की वजह से, बच्चों का वजूद हमारी वजह से नहीं होता, तो हर वक्त उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए ना कर पाए तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या है। सर मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।